All I feel is blue. हेलो एवरीवन, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कुछ अलग सी वीडियो। तो इसमें हम ये देखेंगे कि हम अपनी गर्मियों में, इतनी जो गर्मी पड़ने लगी है, इसमें अपनी फेस को कैसे क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप खूब पानी पिएं, फ्रूट खाएं, ताकि जो हमारी बॉडी में पसीना निकलता है वो हमारी कमी पूरी हो सके। उसके बाद देखिए हम इसको कैसे कमी को पूरा कर सकते हैं। जो हमारा स्किन जो होता है, फेस का डल हो जाता है गर्मियों में, तो उसके लिए तो सबसे पहले हमारा आता है हमारा CTM। और CTM से पहले मैं कहूँगी कि अपने फेस को 3-4 बार धोएं, और ख़ासकर जब बाहर से आएँ तो फेस वॉश से या सोप से, किसी से भी चीज़ धोएं। उसके बाद आप दिन में 2 या 3 बार CTM ज़रूर लें। और अगर आप CTM नहीं ले सकते हैं तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ टोनर ले लीजिए, उसी को आप स्प्रे करके अपने फेस पे, उससे पहले फेस धो लीजिए अपना। और ये जो आप बाहर से आते हो, जो हमारी जो वर्किंग वुमेन होती हैं, उसे ये बाहर से जब आते हो फिर जब ज़रूर क्लीन करें, क्योंकि जो बाहर का डस्ट होता है वो हमारी स्किन पर लग जाता है। तो उसे स्प्रे करके, पहले स्प्रे करने से पहले फेस वॉश कर लीजिए और उसे टोनर से साफ़ कीजिए। तो इसके करने से आपका फेस एकदम क्लीन हो जाएगा। और देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि आपके फेस पे कितनी चमक आ गई है। और ये मैंने जैसे कहा कि 2 या 3 बार ज़रूर करिए, और बाहर से जब आप आते हो जब, और सोने से पहले, और उसके बाद अगर आपको मॉइस्चराइज़र लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं आप। अगर वो नहीं लगाना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल लगा लीजिए, या आप सीरम लगा लीजिए, वो आपके लिए फेस के लिए बहुत क्लीन रहता है। तो ये देखिए अपने स्किन पे कैसे लगाना है। आपको स्प्रे करना है और टैप टैप करके उसे स्किन पे, मतलब उसकी सोख ले उसे अपने। और जैसे मान लीजिए अगर आप बाहर है, आपके पास टोनर है, तो उसे ज़रूरी नहीं है तो बस स्प्रे करके उसे ऐसे टिश्यू पेपर से या किसी कॉटन से या किसी भी कॉटन के कपड़े से आप ऐसे साफ़ कर लीजिए। क्लीन फेस आपका एकदम क्लीन हो जाएगा और शाइन आपको नज़र आएगी। और फिर उसके बाद आते हैं सेकंड, हम जो हम वीक में 2 बार कर सकते हैं, तो उसके लिए आप डिटेन पैक और स्क्रब ले लीजिए। तो आपको क्या करना है, पहले अपना फेस वॉश से धो लीजिए, उसके बाद आप टोनर कीजिए, और टोनर के बाद आप डिटेन पैक लगा लीजिए और उसको 10 मिनट तक लगा के रखिए फेस पे। इसके बाद आप स्क्रब कीजिए 5 मिनट, फेस के लिए 5 मिनट काफ़ी होता है, क्योंकि टोटल आपका 15 मिनट हो गया अपने डिटेन पैक रखा है। और 5 मिनट तक मसाज दीजिए, या आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, इससे भी आपका फेस बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद हमारा थर्ड नंबर पे आता है हमारा ब्लीच, जिसे हम 15 दिन में 1 बार ले सकते हैं। तो इसे ज़्यादा, मैंने जैसे कहा कि 15 दिन में सिर्फ 1 टाइम यूज़ कीजिए इसे। तो इससे जो हमारे फेस की जो रुएँ होती हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, जिससे हमारा फेस में चमक आ जाती है। तो इसके बाद आते हैं हम मॉइस्चराइज़र पे। अगर जैसे आप सर्दियों में क्या होता है, हमारी जो स्किन होती है वो ड्राई हो जाती है, तो हम उससे हमारा जो स्किन का ऑयल होता है वो सूख जाता है, हम उसे बैलेंस करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगाते हैं। और जैसे जिसकी स्किन ड्राई है तो वो तो लगा सकते हैं, अगर जिनकी ऑयली स्किन है तो उन्हें, ऑयली स्किन वालों को क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, उनकी जो पसीना होती है, स्किन बहुत आती है, स्किन पे पसीना बहुत आता है, तो वो उसके एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। और एलोवेरा जेल लगा सकते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, तो हम सभी जानते हैं। और आप सीरम ले सकते हैं, जैसे मेरे पास अभी पार्लर में नहीं है, वरना मैं दिखाती हूँ आपको, मेरे पास बायोटिक का सीरम है जो ऑयल फ्री है, उसे लगाने के बाद फेस पे ऑयल नहीं लगेगा। इसके बाद आते हैं हम फेशियल पे। तो इस गर्मी के मौसम में जो हमारा पपीता का और फ्रूट का फेशियल होता है, जैसे पपीता भी एक फ्रूट ही है, उसे आप ले सकते हैं।
15 दिन में। ये हमारी जो स्किन है इसकी वो बहुत फ़ायदा के बेनिफिट है इसके। इससे मसाज करने के बाद आपकी जो स्किन होती है लूज होती है वो सब डलनेस होती है वो सब चली जाती है। तो थैंक यू।